तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नामांकन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब नामांकन पर आपत्तियों का सिलसिला जो है वो चलता हुआ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अब सिंगरौली में कांग्रेस उम्मीदवार, सिंगरौली की चुरहट विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस पर फैसला भी आ गया है। क्या है फैसला, कौन है उम्मीदवार, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, सिंगरौली काफी ज्यादा फोकस में है क्योंकि सिंगरौली में आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और यहां से यानी कि सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है वो नगर निगम चुनावों के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति में हुई थी। इस बीच बता दें कि बीजेपी ने चुरहट विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके नामांकन में जो एफिडेविट होता है उसमें कुछ जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि चुरहट विधानसभा सीट जो कि सिंगरौली जिले में आती है वहां से बीजेपी के प्रत्याशी शर्तेंदु तिवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह उर्फ राहुल भैया के चुनावी हलफनामे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इस आपत्ति में कहा गया था कि जो अजय सिंह राहुल भैया है उन्होंने अपनी जानकारी पूरी तरीके से नहीं दी है, संपत्ति को लेकर जो जानकारी है वो गलत है। आपको बता दें कि इस आरोप के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी से सबूत मांगे थे कि जो जानकारी चुनावी हलफनामे में कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि अजय सिंह राहुल भैया ने दी है वो सही है या नहीं। ये तमाम एविडेंस रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने जमा किए। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और फिलहाल अजय सिंह राहुल भैया का जो नामांकन है वो वैध करार दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। यानी कि जिस जो आरोप लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से, उसको बेबुनियाद पाया गया है और जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है। जैसा चाहिए उस तरह से उस फॉर्मेट में सब भरा गया था, सारा सारे सही विवरण दिया गया था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन एक आपत्ति कर दी गई और उसमें सब इस तरह से ऐसा एक हंगामा, छोटा सा हंगामा खड़ा करने के लिए, बड़ा हंगामा तो नहीं हो पाया इस तरह से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कानूनी रूप से बिल्कुल कोई दम नहीं था, इसलिए उसका उसको निरस्त कर दिया। दर्शकों को यहाँ पे बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचे हैं, या यूं कहें कि कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले लगातार बीजेपी कांग्रेस एक तरफ जहां जीत की तैयारी में लगी हुई है, कोशिशों में लगी हुई है, जनसंपर्क कर रही है, वहीं जो चुनावी एफिडेविट है उस पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जी जान से जीतने की कोशिश कर रही बीजेपी और कांग्रेस में फिलहाल कांग्रेस को चुरहट विधानसभा सीट से एक तरीके से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। खबर भेजी है सिंगरौली से सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।